नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। मैं हूं सचिन कुमार, आप लोग देख रहे हैं इंडियन जुगाड़ नेटवर्क। 5G के स्पेक्ट्रम ऑक्शन के दौरान आप लोगों ने जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया के अलावा अडानी 5G का भी नाम सुना होगा। जी हां, आप लोगों को कुछ याद आया हो, 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन के दौरान अडानी 5G बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था। यहाँ पर बताया गया था कि अडानी 5G इंडिया में लॉन्च होगा, मतलब कि बहुत सारे यहाँ पर अपडेट आए थे, लेकिन बीच के महीनों में ये अडानी 5G कहीं गायब हो गया था। लेकिन आज आप लोगों के लिए जियो एयरटेल की तरफ से कोई भी 5G अपडेट नहीं आ रहा है। आप लोगों के लिए जो सबसे बड़ा 5G अपडेट आ रहा है वो आ रहा है अडानी की तरफ से। जी हाँ, अडानी की तरफ से काफ़ी बड़ा अपडेट आप लोगों के लिए आ रहा है, और ये अपडेट आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं जियो एयरटेल की। क्या अपडेट है सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यार, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और साथ में आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आप लोग सबसे पहले अपने स्मार्टफोन के अंदर किस टेलीकॉम कंपनी की तरफ से 5G का यूज करना चाहते हैं। जियो की तरफ से, एयरटेल की तरफ से, वोडाफोन आइडिया की तरफ से, या फिर अडानी 5G की तरफ से। क्योंकि आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन के दौरान जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के अलावा अडानी 5G ने भी भाग लिया था। जी हाँ, अडानी डेटा नेटवर्क लिमिटेड ने भी ऑक्शन के अंदर अपनी एंट्री ली थी, और उन्होंने 200 करोड़ से ज़्यादा के जो 5G बैंड्स थे वो खरीदे थे। और वहाँ पर उन्होंने कहा था कि वो ये जो बैंड्स है वो अपने प्राइवेट सेक्टर के अंदर 5G लॉन्च करने के लिए खरीद रहा है। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि इंडिया में अडानी 5G भी देखने को मिल सकता है। लेकिन आज जो अपडेट आ रहा है उसको सुनने के बाद जियो एयरटेल के जो होश है वो उड़ गए होंगे, क्योंकि अडानी डेटा नेटवर्क लिमिटेड को टेलीकॉम लाइसेंस मिल गया है। जी हाँ, अडानी डेटा नेटवर्क लिमिटेड को टेलीकॉम लाइसेंस मिल गया है, और अब वो इंडिया के अंदर अपनी 5G सर्विस लॉन्च कर सकता है। जी हाँ, इस लाइसेंस के जरिए वो इंडिया में अपनी जो सर्विसेज है 4G 5G वो लॉन्च कर सकता है। मुझे लगता है कि अडानी एक बड़ा धमाका करने वाले, जैसा कि जियो ने 2016 में किया था, 4G से टेलीकॉम इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी एंट्री ली थी, और इसी के साथ अडानी 5G भी 5G के साथ एक बड़ा धमाका कर सकता है इंडिया के अंदर। अडानी डेटा नेटवर्क लिमिटेड को इंडिया में अभी जो टेलीकॉम का लाइसेंस मिला है वो 6 सर्किल के अंदर मिला है, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मुंबई, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। जी हाँ, इन 6 शहरों के अंदर अडानी की जो 5G सर्विस है, कोई सी भी सर्विस हमें देखने को मिल सकती है, सबसे पहले इन शहरों में हमें देखने को मिलेगी, इन सिटीज़ के अंदर हमें देखने को मिलेगी। अगर दोस्तों यहाँ पर मुझे लगता है कि इन शहरों के अंदर अगर मुंबई में अडानी 5G लॉन्च होता है और काफ़ी बढ़िया स्पीड देता है, और जो 5G के प्लान होंगे वो बहुत ज़्यादा निर्भर होंगे कि किसकी तरफ से सबसे सस्ते 5G प्लान होंगे, जियो की तरफ से होंगे, एयरटेल की तरफ से होंगे, या फिर अडानी 5G जो लॉन्च होने वाला है उसकी तरफ से होंगे। अगर दोस्तों अडानी 5G इंडिया में आता है और सस्ते प्लान लेकर आता है, जैसा कि जियो ने 2016 में किया था 4G के अंदर, अगर अडानी ऐसा कर देता है इंडिया में 5G के दौरान, तो फिर दोस्तों जियो एयरटेल के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाएगी। क्योंकि अडानी 5G अगर इस तरीके का काम करती है तो फिर जो यूजर्स हैं वो अडानी 5G को यहाँ पर खरीदेंगे, उनकी सिम खरीदेंगे। तो आप लोगों की क्या ओपिनियन है इसके बारे में कि अडानी 5G आने से इंडिया में जियो एयरटेल की जो वैल्यू है वो कम होगी या नहीं होगी? क्योंकि इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा दोनों टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर अगर अडानी 5G इंडिया में लॉन्च होता है। तो आपकी क्या ओपिनियन है पूरी आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और साथ में आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।